हाय दोस्तों, फिल्म ए टू जेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म शाकुंतलम के बारे में, जो कि 2023 में आने वाली है। कई दिनों से सामंथारुथ प्रभु की फिल्म शाकुंतलम के चर्चे थे। सामंथा अपनी इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड भी हैं। अब फिल्म से गाना मल्लिका मल्लिका रिलीज हो गया है। सामंथारुथ प्रभु अपनी फिल्म शाकुंतलम की रिलीज के लिए कमर कस रही हैं। इसके रिलीज से पहले मेकर्स ने महाकाव्य पौराणिक फिल्म से पहला ट्रैक मल्लिका मल्लिका रिलीज किया। राम्या बेहरा का गाया गया गाना फिल्म में सामंथा के कई अवतारों को दर्शाता है। संगीत मनीष शर्मा का निर्देशित है और गाना चैतन्य प्रसाद ने लिखा है। गाने से एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है, मल्लिका आपके लिए, जहां एक्ट्रेस को एक सफेद ड्रेस पहने देखा जा सकता है, वो उसमें बेहद खूबसूरत लग रही हैं। शाकुंतलम का गाना मल्लिका सामंथारुथ प्रभु की शाकुंतलम में देव मोहन अल्लू अर्जुन की बेटी रहा, सचिन खेडेकर, कबीर बेदी, डॉक्टर एम मोहन बाबू, प्रकाश राज, मधुबाला गौतमी, अदिति बालन, अनन्या नागल्ला और जिशु सेन गुप्ता भी हैं। इस फिल्म से इससे पहले अल्लू अर्जुन ने फिल्म के लिए डबिंग करते हुए अपनी बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। शाकुंतलम का ट्रेलर रिलीज होने के बाद नन्ही अरहा ने भी सभी को प्रभावित किया। फिल्म का निर्देशन गुणशेखर ने किया है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। फिल्म कालिदास के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित फिल्म में सामंथा को शकुंतला और देव मोहन को महाभारत के राजा दुष्यंत के रूप में दिखाया गया है। ट्रेलर को कुछ दिनों पहले रिलीज किया गया था। गाने में शकुंतला और दुष्यंत की महाकाव्य प्रेम कहानी की झलक दिखा और बाद में दुष्यंत से शादी करने के बाद कैसे उन्हें भूल गए। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शाकुंतलम पोस्टर। सामंथा की शाकुंतलम का पोस्टर रिलीज अल्लू अर्जुन की बेटी रहा कर रही हैं। डेब्यू साउथ एक्ट्रेस सामंथारुथ प्रभु की फिल्म शाकुंतलम का पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म का पोस्टर 70 के दशक का लग रहा है। बता दें कि इस फिल्म से अल्लू अर्जुन की बेटी इंडस्ट्री में इन दिनों साउथ एक्ट्रेस सामंथारुथ प्रभु को लेकर काफी चर्चा है। एक्ट्रेस बीते दिनों से गायब हैं और न जाने वो कहां हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस को कोई हेल्थ इश्यू है, जिसे लेकर वो ट्रैवल कर रही हैं। इसी बीच सामंथा की नई फिल्म शाकुंतलम का पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर आप 70 के दशक में चले जाएंगे। शुक्रवार को सामंथारुथ प्रभु ने देव मोहन के साथ अपनी फिल्म शाकुंतलम के एक नए मोशन पोस्टर को रिलीज किया। शाकुंतलम का पोस्टर उन्होंने लिखा, दुनिया भर में 4 नवंबर 2022 से #epoclovestory#शाकुंतलमन थिएटरों में देखें। यह फिल्म गुणशेखर की निर्देशित और उनकी बेटी नीलिमा गुना की है। नए पोस्टर में सामंथा और देव के बीच ताजा केमिस्ट्री है। पोस्टर में सामंथा देव के साथ रानी की तरह पोज देती हुई दिख रही हैं। वे शकुंतला और दुष्यंत के रूप में हैं। सामंथा के आने से फैंस की खुशी। उनके लुक पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने लिखा, फिल्म देखने का इंतजार नहीं कर सकता। सैम के लिए यह एक ब्लॉकबस्टर साल होने जा रहा है। आपके लिए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप 2 साल के साथ पर्दे पर हमसे मिलने के लिए वापस आ रही हैं। शुभकामनाएं, आप हमेशा की तरह काम करने वाली हैं। शाकुंतलम हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी फिल्म महाभारत से शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी दिखाएगी।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शकुंतला मेनका और ऋषि विश्वामित्र की बेटी थी, जो अपने शिक्षक ऋषि काव्य के साथ जंगल में रहती थी। जंगल में अपने समय के दौरान वह राजा दुष्यंत से मिलती हैं और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। उनके बच्चे जो बाद में राजा भरत बन गए के बाद दुष्यंत उन्हें जल्द ही वापस लौटने का वादा करके जंगल में छोड़ देते हैं। हालांकि एक ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला के बारे में भूल जाते हैं जब तक कि वे दोबारा नहीं मिलते। अल्लू अर्जुन की बेटी शाकुंतलम के लिए फिल्म की शूटिंग पिछले साल अगस्त में पूरी हुई थी। सामंथा और देव के अलावा इसमें मोहन बाबू, गौतमी तदीमला, अदिति बालन और अनन्या नगल्ला भी होंगे। यह अल्लू अर्जुन की बेटी अल्लू अरहा की टॉलीवुड में बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। वह राजकुमार भरत के रोल में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, फिल्म ए टू जेड को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी जानकारी लाते रहे। धन्यवाद।